हाय गाइस, वेलकम टू शकर ट्रेडर्स। शकर ट्रेडर्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज सैटरडे है, कल संडे है, तो इन 2 दिन आपको मार्केट के अंदर अगर पैसे कमाना है तो थोड़ा सा लर्निंग के ऊपर ध्यान देना है। ओके, देखो, बिना लर्निंग का कुछ नहीं होता है। हमने इस पूरा वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छा से आपको लर्निंग का पर्पज़ बना रहा हूँ ये वीडियो, ताकि आप देखो, निफ्टी बैंक निफ्टी वीडियो तो कोई भी बना देता है, ये होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। बट मेरा आज का जो मोटिव है वो है कि हाँ, मार्केट कहाँ से कहाँ जा सकता है, उसके अगेंस्ट पे हमने कौन सी कॉल, कौन सी पुट पे, या टेक्निकली किस सिनारिस पे हम बाइंग कर सकते हैं, ये चीज़ मैं क्लियरली समझाने का कोशिश करूंगा। सो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये वीडियो आपके लिए, अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है कि सर मार्केट को मैं सीखना चाहता हूँ। ओके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्ट होगा। मंडे के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन, राइट? तो जैसे कि आपने थंबनेल पे देखे होंगे, यहाँ पे थंबनेल पे आपने देखे होंगे कि मंडे मार्केट कुछ हद तक गैप अप ओपनिंग होने का तैयारी कर रहा है, ठीक है? और उसके बीच में यहाँ पे किस तरीके से सिनारीज बन सकता है, तो देखो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इससे पहले भी ना मार्केट में कंटिन्यू एक डाउनफॉल आया था, आने के बाद इस जगह पे कुछ दिन रुका हुआ था, और यहाँ पे एक डाउनफॉल आने के बाद यहाँ पे मार्केट रुक रहा है, ठीक है? पहले चीज़ समझने का कोशिश करना कि इस तरीके से कभी भी इस तरीके से मार्केट में डाउनफॉल आया है, तो अब देखिए डाउनफॉल आने के बाद क्या हो रहा है। एक बार कंटिन्यू डाउनफॉल आने के बाद थोड़ा सा रुकता है, रिकवरी आता है, थोड़ा सा रुकता है, रिकवरी आता है, थोड़ा सा रुकता है, रिकवरी आता है, थोड़ा सा रुकता है, रिकवरी आता है। अब ये जो रिकवरी है, ये कितने पॉइंट तक ऊपर जाता है, क्या आपको मालूम है? क्या आपको क्लियर है ये कितने पॉइंट तक बैक होता है? देखो, मैं यहाँ पे आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के दिखा रहा हूँ कि मार्केट कितने पॉइंट तक रिट्रेस लेता है, ठीक है? तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, अच्छा, गैप अप क्यों होगा, गैप अप क्यों होगा, उसका पीछे क्या राज है, मैं वो भी बताऊंगा, और नेक्स्टली बताऊंगा निफ्टी का रेजिस्टेंस मंडे का क्या होगा। आप, आई होप कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े होंगे। इस टेलीग्राम चैनल पर मंडे के लिए निफ्टी का जो लेवल है वो मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, बैंक निफ्टी का भी और निफ्टी का भी, राइट? तो कल हमारा कॉल का परफॉर्मेंस क्या था, तो आप देख सकते हो, एक फ्री ग्रुप का कॉल का परफॉर्मेंस ये है। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे बहुत फर्स्ट कॉल चला जाता है, बहुत सारे मैं टेलीग्राम चैनल देखा हूँ, दाम चल रहा है 220, वहां पे लिख रहा है 250, उसके बाद 280 का टारगेट दिखा रहा है, जबकि 280 गया ही नहीं। बट आप यहाँ पे ज्वाइन करके देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे कॉल दिया जाता है। ट्रेड मत करो, एक दो दिन आप वॉच करो, अगर आपको अच्छा लगेगा तो भी जाकर ट्रेड करना। ओके, कल हमने क्रूड ऑयल के ऊपर एक नॉर्मल सी वीडियो बनाया है, कि जिन लोग क्रूड ऑयल के ऊपर नहीं जानते हो तो ये वीडियो को देख सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, बेल आइकन दबाने के बाद ये वीडियो आपको मिल जाएगा। बट अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि सबसे पहले सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाए, आप हमारा एक दो वीडियो देखिए, समझ में आता है तभी जाकर सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना। ओके, चलो गाइस, यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैं यहाँ पे क्लिक किया, करने के बाद यहाँ पे सारे जो नंबरिंग है उसे मैं क्लिक कर दिया। ओके, सारे नंबरिंग को क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद जो लेवल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो, ये जो डाउनफॉल हुआ था ना, इस डाउनफॉल के बाद जो मार्केट रिट्रेस बाउंस बैक हुआ था, कहाँ तक हुआ था, तो गोल्डन नंबर, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का गोल्डन नंबर कौन सी होता है गाइस? आई होप कि आपको अगर फिबोनाची के बारे में नॉलेज है तो ये पता होगा कि 61.80 एक बेस्ट नंबर होता है, जो गोल्डन रेशियो नंबर फिबोनाची का कहा जाता है। ताकि रिट्रेसमेंट जब भी होता है, अगर 61.8 से ऊपर सस्टेनेबल होता है तो एक बुलिशनेस सेंटिमेंट माना जाता है, अदरवाइज 61 से डाउन होने का चांसेस रहता है। तो क्लियर, इसी जगह से डाउन हुआ है। अब जो मार्केट डाउन हुआ था, अब जो मार्केट इस हाई और इस लो के बीच में अगर हम बनाए अभी, तो अभी मार्केट कहाँ से डाउन हुआ है, देखो यहाँ पे अगर लगाए तो मार्केट बिल्कुल 38 पॉइंट से डाउन हुआ है, 38 पॉइंट से डाउन हुआ है। इस तरीके से मार्केट जब भी डाउन हुआ है, आप अगर इसको लगा के देखोगे तो आपको दिखेगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का नंबर को ही ज़्यादा मार्केट रेस्पेक्ट करता है। तो मंडे के दिन हम क्या देख पा रहे हैं, मार्केट गैप अप सीनारीज, कितनी पॉइंट, मिनिमम 100 पॉइंट ये अभी हमको दिखाई दे रहा है। कहाँ से दिखाई दे रहा है, सपना तो नहीं आ रहा है ना? तो जिन लोग मार्केट में थोड़ा सा पुराने हैं और सर्कल ट्रेडर्स चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, सबको पता है क्यों, कैसे, कि मैंने कई बार इसके ऊपर डेमो क्लास लिया हूँ कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन का पीछे क्या राज रहता है। तो देखो, यहाँ पे S&P 500 यानी कि US मार्केट का जो मेजर इंडेक्स, उसका सिनेरियोस मैं यहाँ पे शो कराता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे एक सपोर्टिंग जगह से बहुत अच्छा बुलिश कैंडल बना हुआ है, और साथ में यहाँ पे डाउ जोन के ऊपर भी एक सपोर्टिंग जगह से एक बुलिश कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया है, जिसका रिजल्ट जो है SGX निफ्टी के ऊपर जाके गिर रहा है, और SGX निफ्टी के अंदर एक बहुत अच्छा डाउनफॉल में ये सिनेरियोस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोग हमारा चैनल का पुराना फॉलोअर्स है, रोज मेरा वीडियो देखते हैं, उनको पता होगा मैं कई बार ये सिनेरियोस को बताया हूँ,
गाइस मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी अभी जिस सिनेरियस पे है हम ये नहीं कह सकते मार्केट पूरा तरीके से बाउंस बैक हो गया है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को वेट कीजिए कि इन लेवलों को अगर ब्रेक करेगा ना मार्केट, इन लेवलों को ब्रेक करेगा तो फिर से आपको 200 पॉइंट मिनिमम इस हाई के ऊपर 200 पॉइंट यानी कि 17,200 लेवल के ऊपर अगर स्टे कर जाता है मार्केट तो फिर से आपको 17,500-17,600 का लेवल मार्केट के अंदर दिखाई देने के लिए मिल सकता है। ओके अब आता है सर मंडे के दिन हम ट्रेड कैसे करना है, ठीक है मंडे के दिन ने हमने ट्रेड कैसे करना है तो निफ्टी का चार्ट में आ गया हूँ और 15 मिनट का चार्ट है तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ जो मंडे के लिए कौन कौन सी, देखो आप लोगों को पिवोट पॉइंट पता है नहीं पता है 50% को पता होगा जिन लोग हमारे चैनल पे है। पिवोट पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट डे का आपको स्टैंडर्ड लेवल दिखता है, बट आप लोग ना अपना जो डिमांड अकाउंट है वहाँ पे आप जिस दिन मार्केट ओपन होगा उसी के बाद आप इस चीज को देख सकते हो, बट हमारा टेलीग्राम चैनल पे क्या कहते हैं आपको जब एक दिन पहले ही आपको ये अलर्ट दे रहा हूँ कि मार्केट अगर इससे ऊपर ओपन होता है तो मार्केट का क्लोजिंग कहाँ पे है 16,932 पे और मेरा पी लेवल जा रहा है 16,990 पे, यानी कि कितने पॉइंट ऊपर है यहाँ पे लगभग 60 पॉइंट ऊपर हमारा पी लेवल है तो एक्सपेक्ट तो यही है कि 60 पॉइंट ऊपर मार्केट ओपन होगा। कहाँ पे जा रहा है थोड़ा सा हम ड्रॉ करेंगे, इसको हम 17,000 ही मान लेते हैं कि एक बढ़िया लेवल है 17,000, तो हमें मंडे के दिन देखना पड़ेगा क्या मार्केट 17,000 से ऊपर ओपन हो रहा है। बिल्कुल आप अगर मेरे से पूछोगे सर क्या होने वाला है तो मैं तो बोलूंगा हाँ 17,000 से ऊपर ओपन हो सकता है मैक्सिमम मेरा चांसेस है। ओके तो अगर इससे ऊपर ओपन होता है ना 5 मिनट कुछ मत कीजिए क्योंकि मंडे का दिन है। अरे गाइस आप लोग सी लेके रखे हो या पी लेके रखे हो, मैं तो ये चीज पूछना भूल ही गए हूँ। देखो मैं अगर सी पी लेता हूँ तो मुझे तो नींद नहीं आता है तो मैं कभी नहीं लेता हूँ, सैटरडे या संडे जब बीच में आता है मैं 2 दिन बिल्कुल हॉलीडे एंजॉय करता हूँ और आप लोगों के साथ 1-2 डेमो क्लास रखने का कोशिश करता हूँ। ओके तो इसलिए मैं कोई पोजीशन नहीं लेता हूँ, बट जिन्होंने लिए हैं उनके लिए ये मैं क्लियर कट बता रहा हूँ कि मार्केट का ओपनिंग और आगे से मत लेना कभी, ठीक है ये मैं बता रहा हूँ। मार्केट का ओपनिंग अगर इस जगह पे होता है तो आपको 5 मिनट इंतजार करना है, 5 मिनट का हाई ब्रेक होकर मार्केट चलना शुरू होता है तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से आपको 17,100 का करीब पहुँच सकता है, डेफिनेटली आपको मार्केट 17,100 का करीब पहुँच सकता है, इसे बहुत क्लियरली ध्यान देना राइट। 5 मिनट का लो अगर ब्रेक होगा इसके ऊपर सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा तो क्या होगा गाइस, तो इसका डाउन अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट यहां से और डाउन साइड जा सकता है, तो मार्केट यहां से और डाउन साइड जा सकता है मतलब दोबारा डाउनफॉल मार्केट में अभी रुका नहीं है ये समझ लेना, बेस्ट सिग्नल बेस्ट जगह मिल गया। अब देखो 17,000 के पास अगर सपोर्टिंग लेकर चलना शुरू होता है, मैं बहुत क्लियरली यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, जस्ट समझने का कोशिश कीजिए कि मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद मान लो 17,000 का जो कॉल है वो प्रीवियस डे कोई भी प्राइस, मुझे ये नहीं पता कि कितने पे क्लोजिंग हुआ था, मान लेते हैं 17,000 का जो कॉल है वो चला गया था 60 पे, अभी ओपनिंग हो रहा है 90 पे, ठीक है अब 90 पे ओपन होने के बाद ऐसे ही उछाल मारता है ये ना, ओपन होती ऐसे ही उछाल मारता है, मरने के बाद 5 मिनट का जो हाई लो है इसे वेट कीजिएगा, इसका हाई अगर ब्रेक करेगा तो दोबारा आप कॉल साइड में एंट्री ले सकते हो, आया समझ में, ये 60 लेवल है ये 90 लेवल है, यहाँ पे अगर थोड़ी देर वेट कर जाता है आप यहाँ पे दो मिनट या 3 मिनट का कैंडल का इस्तेमाल करना, 2 मिनट या 3 मिनट का कैंडल का इस्तेमाल करना। ओके 2-3 मिनट का कैंडल पे जो रेंज बनाएगा हमेशा रेंज के ऊपर ध्यान दीजिए, मान ले सुबह का सेशन पे ये रेंज बनाया था फिर ऊपर गया फिर नीचे आया ये रेंज बना रहा है तो आपके पास क्या है स्टॉप लॉस बहुत क्लियर है कि इस रेंज को अगर ब्रेक करेगा ना मैं यहाँ पे एसएल लूंगा और इस रेंज को पॉजिटिव ब्रेक करेगा ना मैं यहाँ पे बाय करूंगा, दैट्स ऑल। मार्केट में तो मैं नहीं चाहिए ना, हमें कहाँ पे बाय करना है कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है, जिन लोग ह्यूज लॉस कर रहे हो ना मैं जो अभी जस्ट 1 मिनट आपको बताया हूँ कि 2-3 मिनट का चार्ट लगाना मोमेंटम को समझना है और जिस बेस पॉइंट पे मार्केट आ चुका है जस्ट उस बेस पॉइंट को ब्रेक करेगा तो आपको स्टॉप लॉस लेना है और बेस पॉइंट को पॉजिटिव ब्रेक करेगा तो मुझे बाय करना है, ये सिनेरियोज लेके चलना। कभी क्या होता है मार्केट इस तरीके से चलता है देखना। ओके 2-3 मिनट का चार्ट लगाओ, 2-3 मिनट का चार्ट लगाओ, अगर ऐसे सिनेरियोज पे रुक जाता है तो इस पॉइंट पे आपको बाइंग एंट्री बनाना है क्योंकि अप ट्रेंड है कंटिन्यू, इस पॉइंट पे आपको बाइंग एंट्री बनाना है, चाहे आप किसी कॉल ऑप्शन को ध्यान दे रहे हो, चाहे क्रूड ऑयल को ध्यान दे रहे हो, चाहे स्टॉक मार्केट को स्टॉक इक्विटी को ध्यान दे रहे हो, किसी को भी ध्यान दे रहे हो, क्लियर बात है। ओके देखो संडे बीच में है तो अगर थोड़ी सी 2-4 मिनट का लंबा वीडियो हो जाता है तो आप इसे एज पर एजुकेशनल पर्पज पर ध्यान से 2-1 बार देखो, बहुत अच्छा समझ में आएगा।
तो मैं लेवल आपको दे दिया हूँ मंडे के लिए कि 17,000 के ऊपर अगर स्टेबल होगा तो 17,064 मेरा लेवल है। अगर 17,064 के ऊपर ओपन होता है, हो भी सकता है, तो यहाँ से मेरा टारगेट जाएगा 17,180 राइट 180। और 17,000 के ऊपर अगर स्टेबल नहीं हो पाता है, यहाँ से डाउन आता है, तो मार्केट बहुत अच्छा डाउन आ सकता है। 16,900 क्लियरली लेवल है अगर यहाँ पे स्टेबल नहीं होगा, और 16,800 ये दोनों साइड का डाउन साइड दिखाई दे सकता है अगर सुबह का रेंज को पॉजिटिव नहीं ब्रेक कर पाएगा मार्केट तब। देखो बहुत देर हो गया है निफ्टी के ऊपर समझाते हुए, बैंक निफ्टी का सिनेरियो क्या है हमने एक बार जरूर देख लेंगे। तो बैंक निफ्टी के ऊपर भी अगर बात करें तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, देखो 23 का सपोर्ट ले रहा है। ओके, तो यहाँ से एक बार पॉजिटिवनेस बन सकता है अगर इसे ब्रेक नहीं होगा तो, और इसे ब्रेक होगा तो दोबारा क्या है 39,000। तो पिछले दिन से मैं बता रहा हूँ कि 39,500 बैंक निफ्टी के लिए बेस्ट सपोर्ट है, ठीक है। तो हमें देखना है 39,500 के ऊपर स्टेबल हो रहा है कि नहीं, अगर स्टेबल होगा तो कहाँ तक जाएगा, फर्स्टली ये रेजिस्टेंस फेस करेगा थोड़ा बहुत कि 39,800 एक रेजिस्टेंस फेस करेगा बैंक निफ्टी। ओके, जस्ट ऑन मिनट गाइस, यहाँ पे और थोड़ा सी क्लियरिटी देख लो। हाँ, सबसे बेस्ट रेजिस्टेंस जो है 39,780 से लेके 800। ओके, और इसके ऊपर जब हम छोटी टाइम फ्रेम पे काम करेंगे तो भी आपको बहुत क्लियरली ये टेक्निकल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है गाइस, गैप अप होने दो, इसके ऊपर आने दो 500 के ऊपर, इसके ऊपर एक मिनट का हाई आप देख लेना, एक मिनट का हाई देख लेना, एक मिनट का जिस ऑप्शन का, कौन से ऑप्शन का, 39,500 का कॉल ऑप्शन का, अगर एक मिनट का हाई ब्रेक हो पाता है तो यहाँ से एक ट्रेड लो सर्कल ट्रेडर्स के नाम पे, 10% प्रॉफिट ले जाना घर सुबह सुबह। ओके, सेकेंड कॉल कब लोगे, 5 मिनट का हाई देख लेना, 5 मिनट का हाई अगर ब्रेक हो पाएगा, मान लो कि 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ इस जगह पे और 5 मिनट पे यहाँ तक बनाया है, अगर इसका हाई ब्रेक होता है दोबारा ट्रेड लेना, दोबारा 10% लेके चले जाना, यहाँ तक मार्केट पॉजिटिव साइड जाएगा। ओके, जब मार्केट पॉजिटिव ओपन होने के बाद रेंज को डाउन ब्रेक कर देगा तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड का रहेगा। और बैंक निफ्टी के लिए मंडे का जो पी लेवल है वो क्या जा रहा है, 39,500 साइकोलॉजिकल भी अच्छा लेवल है और हमारा टेक्निकल भी अच्छा लेवल है। तो इसे ब्रेक करेगा तो 200 से 250 पॉइंट का हमारा डाउनसाइड दिखेगा, इसे पॉजिटिव सस्टेन करेगा तो 39,677 मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट रहेगा 39,950 मान लो। ओके, ये मेरा दो टारगेट पॉजिटिव साइड के लिए हो जाएगा। तो आई होप कि आपने पूरा मार्केट को अच्छा से समझ पाए होंगे इस छोटी सी वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और लास्ट तक देखे हैं तो आपका अंदर सीखने का भरपूर जुनून है। आप लोगों के लिए हम जो ला रहे हैं, कल एग्जाम ला रहे हैं कि सर्कल ट्रेडर्स के एग्जाम कैसे होता है, आप अगर फ्री में उसे ज्वाइन करना चाहते हो, एग्जाम देके देखता हूं कैसे होता है, ठीक है। तो एग्जाम में आप शामिल हो सकते हो, जो टॉपर बनेंगे उस एग्जाम का उनको हम ऑनलाइन क्लास एक मेजर डिस्काउंट के साथ देंगे। तो गाइस, आज का वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।